गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको पालक की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही डिफरेंट वे में। आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हो। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और यह परफेक्टली बनकर रेडी भी हो जाता है। और आप इसे घर में अवेलेबल सारे मसाले से बना सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारे स्टेप को फॉलो करना, परफेक्ट पालक की सब्जी बनकर रेडी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पालक की सब्जी बनाने के लिए आपको 300 ग्राम पालक लेना है, लहसुन लेनी है, अदरक लेना है और आपको 4 हरी मिर्चें लेनी है, 4 बड़े चम्मच आपको बेसन लेना है। तो चलिए चलते हैं हम अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में आपको पालक को कट कर लेना है और इसे फ्रेश वाटर से धो लेनी है ताकि इसमें जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हो सारे निकल जाएं। अगले स्टेप में आपको एक बाउल लेना है। अब आपको इसमें सारे पालक को डाल देनी है। तो चलिए इसमें सारे पालक को ऐड कर देते हैं। पालक ऐड करने के बाद अब आपको इसमें आधा चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद अब आपको इसे मिक्स कर लेना है। पालक में नमक मिक्स करने के बाद अब आपको इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो पालक से पानी निकल चुका है। अब इस पानी को आपको निकाल लेनी है, इसे फेंकना नहीं है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। पानी निकालने के बाद अब आपको इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालनी है, आधा चम्मच चिल्ली पाउडर डालनी है। अब आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आपको इसमें डाल देना है। अब आपको इसमें बेसन को भी डाल देना है। 4 बड़े चम्मच आपको इसे बेसन ऐड करना है। बेसन डालने के बाद अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इसमें बेसन कम पड़ जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और भी डाल सकते हो। अच्छे से मिला ले इसे। मिक्स करने के बाद आपको इसका बॉल बना लेना है। चलिए हम सारे पालक का बॉल बना लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अगले प्रोसेस में आपको इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को आपको गर्म कर लेनी है। तेल अब गर्म हो चुका है। अब आपको इसमें आधा चम्मच जीरा डालना है, 1 सूखी मिर्च डालनी है, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी डालनी है। कुछ सेकंड तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। अब आपको इसमें डालना है 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। डालने के बाद कुछ सेकंड तक आपको इसे भी फ्राई कर लेना है। अब आपको इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसमें डाल देनी है। अब आपको इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसमें डाल देनी है। डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब आपको आज की फ्लेम को मीडियम कर देनी है और इसे हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए हम इसे पका लेते हैं। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसी स्टेज पे हम सारे सूखे मसाले को भी डाल देंगे। उसके लिए आपको इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच चिली पाउडर डालनी है, चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालनी है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालनी है, आधा चम्मच आपको इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है। सारे सूखे मसाले डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपको इसे 1 मिनट तक और पका लेना है। अब आपको इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देना है। चलिए इसमें डाल देते हैं। मिला ले इसे। अब आपको इसमें 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालना है।
डाल दें इसमें आप। डालने के बाद मिला लें इसे। अगर आपके मसाले चिपकने लगे तो आप इसमें इसी स्टेज पे आधा कप पानी डाल देना। डाल दें इसमें। पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। पानी को डालने से ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तरीके से पकती है, इसलिए आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आपको इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। आप देख सकते हो सारे मसाले अच्छे से पक चुका है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच मलाई। मलाई की जगह पे आप यहाँ पे दही भी डाल सकते हो। मिला लें इसे। अब आपको इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। पालक में भी नमक हमने पहले डाला था, इसलिए आप इसमें ज़्यादा नमक बिल्कुल भी ना ऐड करें। अब हम ग्रेवी में डालेंगे पालक का पानी जो हमने पहले ही स्टोर करके रखा हुआ है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं। मिला लें इसे। अब आपको गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। चलिए इसे हम पका लेते हैं। सारे मसाले पकाने के बाद अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। चलिए इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। आपको इसमें 1.5 से 2 कप पानी ऐड करना है। पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे पानी में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी डालने के बाद अब आपको इसे उबाल आने तक पका लेना है। चलिए इसे हम उबाल आने तक पका लेते हैं। आज का फ्लेम आपको हाई कर देनी है और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। ग्रेवी से उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम सारे पालक के बॉल्स को डाल देंगे। तो चलिए इसमें सारे पालक के बॉल्स को ऐड कर देते हैं। सारे बॉल्स ऐड करने के बाद अब आपको इसे बिल्कुल भी नहीं चलानी है। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद ही आपको इसे टच करना है। तो चलिए इसे हम ढककर 2 मिनट तक पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, अब आपको इसे चलाना है। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। आपको इसे अच्छे से पलटना है। पलटने के बाद आपको इसे 2 मिनट तक और पका लेना है। आप देख सकते हो पालक की सब्जी कितना बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करते हो तो परफेक्ट पालक की सब्जी बनकर रेडी होगी। कितना बढ़िया तरीके से यह पकी है। आपको 8 मिनट तक इसे पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। सकते हो पालक की सब्जी कितना परफेक्ट बनी है, एकदम मार्केट जैसा बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसे जरूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे जीरा राइस के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।